वेस्टइंडीज के आक्रामक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 30 मई से इंग्लैंड में खेले जाने वाला आईसीसी विश्व कप उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसकी जानकारी विंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट करके दी। 39 वर्षीय गेल ने 1999 में भारत के खिलाफ कनाडा के टोरंटो में वनडे करियर की शुरुआत की थी। 20 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में उन्होंने 284 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9727 रन बनाए हैं। गेल ने वेस्टइंडीज के लिए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा 23 शतक लगाए हैं और वह वेस्टइंडीज की ओर से दोहरा शतक जड़ने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2015 के विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ लीग मैच के दौरान 215 रनों की पारी खेली थी। वह इस दौरान विश्व कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। क्रिस गेल ने गेंदबाजी में भी कैरेबियन टीम को काफी योगदान दिया है। उन्होंने 284 वनडे मैचों में 165 विकेट भी अपने नाम किए हैं। वेस्टइंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ 20 फरवरी से 5 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के पहले दो मैचों के लिए क्रिस गेल को टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद क्रिस गेल टीम के साथ बारबाडोस में अभ्यास सत्र में भाग लेने आए थे और वहां उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। दोस्तों, आप इस दिग्गज खिलाड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।